हेलो गाइस आई एम प्रदीप फ्रॉम डब्ल्यू एस किपटेक आज हम देखेंगे पाइथन के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट का काम क्या होता है थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कंडीशन uh, लगाने के बाद आपको कोई भी आउटपुट चाहिए तो मैं कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करूंगा और यहाँ पे कंपेरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर का क्या होता है यूज होता है उसको यूज करके हम कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या करते हैं अप्लाई करते हैं देन अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आप अपने अकॉर्डिंग आउटपुट क्या कर सकते हैं वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो भी आपको आउटपुट डिस्प्ले करना है तो कंडीशनल स्टेटमेंट में जो कंडीशनल स्टेटमेंट हम पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं देखिए तीन तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट होगी इफ स्टेटमेंट इफ एल्स स्टेटमेंट इफ एल एल्स स्टेटमेंट ये तीन तरह की हम कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करेंगे आज कवर करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट कहां पे यूज होंगी और आप उसको कैसे अप्लाई करेंगे और ये सारा काम हम क्या करेंगे प्रैक्टिकली करेंगे तो सबसे पहले चलते हैं हम इफ स्टेटमेंट पे देखिए देखिएवर्ड का यूज तो करना है और यहाँ पे आएगी कंडीशन जो भी आपको कंडीशन देनी है जैसे आपने आपको इवन नंबर निकालना है या कुछ भी आपको कंडीशन देनी है वो कंडीशन आप यहाँ पे क्या करेंगे पास करेंगे जैसे ए इक्वल टू इक्वल टू बी ए नॉट इक्वल टू बी इस टाइप की कंडीशन अगर आपको पास करनी है तो वो आप इफ के अंदर यहां पे क्या करेंगे पास करेंगे और यहां पे आता है कॉलन कॉलन ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका इफ क्या हो चुका है स्टार्ट हो चुका है और अगर ये इफ कंडीशन ट्रू होती है तो जो भी आप इफ के बीच में लिखोगे वो आपके सामने क्या हो जाएगा एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप इफ के अंदर कुछ लिखें तो एक टैब का स्पेस या एक स्पेस देके लिखेंगे एक टैब का स्पेस और एक स्पेस का मतलब क्या है मैं आपको क्लियर कर देता हूं क्योंकि देखिए पाइथन के अंदर कर्ली ब्रैकेट नहीं होता है कॉलन से इफ स्टार्ट होता है अब उसको अपनी बॉडी का पता कैसे चलता है इफ को क्योंकि आप जो इफ के अंदर लिखते हैं वो इंडेंटेशन करके लिखते हैं इंडेंटेशन करके लिखने का मतलब जो भी कंटेंट लिखते हैं वो एक टाइप की स्पेस या स्पेस के साथ में लिखते हैं अगर आपने यहां पे स्पेस के साथ में कुछ लिखा तो अंदर वाली जितने भी लाइन होंगी सबके स्पेस क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि आपने एक टाइप का स्पेस दिया पहली लाइन को अब मान लो आप दो स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं इफ के बॉडी के अंदर तो दोनों लाइन के स्पेस का इंडेंटेशन क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए तो ये मैं आपको क्या करूंगा करके दिखा दूंगा जिससे चीजें क्या हो जाएंगी क्लियर हो जाएंगी देखिए इफ ये ध्यान रखिए इफ में लॉजिक ये है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू हुई तो आपके पास आउटपुट आएगा नहीं ट्रू हुई तो कोई भी आउटपुट आपके आ, पास डिस्प्ले नहीं होगा तो यहां पर देखिए एक एग्जाम्पल भी दे रखा है मैंने यहां पे एग्जाम्पल के लिए क्या किया एक वेरबल या इक्वल टू टेन और यहां पे इफ

तो सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट का क्या करते हैं प्रैक्टिकली करते हैं जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो इसके आगे वाले पार्ट को क्या करेंगे समझेंगे तो चलिए हम प्रैक्टिकली पार्ट स्टार्ट करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि आप इफ स्टेटमेंट को कहां पे यूज करेंगे देखिए मैंने एक कहा स्टेटमेंट डॉट पी वाई ये फाइल है बनी हुई है आप कोई भी चाहे यूजर से इनपुट लीजिए तो मैं एक काम करता हूँ मैं एक यूजर से इनपुट ले लेता हूँ यहाँ पे इनपुट लेने के लिए मैं ए नाम का एक वर्बल ले लेता हूँ इंट में कन्वर्ट कर देता हूँ और इनपुट ले लेता हूँ इवन नंबर वाला ही देखना है और मैं यहाँ पे एंटर द वैल्यू कर देता हूं और यहां पे मैं इफ कंडीशन लगाता हूं देखिए इफ कंडीशन लगाने के लिए एक चीज का ध्यान रखिए पे लिखना है, if A, जो आपका वेरिएबल है मॉडुलस टू मतलब इसका जो भी आंसर है अगर वो डबल इक्वल टू जीरो के बराबर है मतलब इक्वल टू इक्वल टू क्या है जीरो के बराबर है तो ये कंडीशन ट्रू होगी और प्रिंट आप यहां पे कर देंगे कि ए आपका क्या है इवन नंबर है तो यहां पे नोटिस करिए ये मैंने क्या किया यूजर से इनपुट लिया यूजर से इनपुट लेने के लिए के बाद मैंने यहां पे क्या किया कंडीशन को चेक किया कि ए मॉड्यूल टू क्या है जीरो के बराबर है कि नहीं अगर जीरो के बराबर है तो प्रिंट आपके पास क्या आएगा इवन नंबर नहीं तो कोई भी आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपको प्रिंट ए जो भी वैल्यू का नाम है और इवन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा डिस्प्ले हो जाएगा अब मैं इस फाइल को रन करता हूं रन करने के बाद आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी देखिए मैं यहाँ से इस फाइल को क्या करता हूँ रन करता हूँ रन करते ही यहाँ पे देखिए पूछ रहा है तो आप यहाँ पे वैल्यू दीजिए जैसे मैंने यहाँ पे दिया ट्वेंटी और एंटर किया देखिए ट्वेंटी इवन नंबर है क्योंकि ट्वेंटी इवन नंबर क्यों है क्योंकि ट्वेंटी का मॉडल जब आप टू के थ्रू निकालेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा उसका जीरो और वो जीरो के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं आउटपुट दे रहे हैं अब प्रिंट के अंदर जब आप कंपैरिजन लगा रहे थे तो वहां पे क्या हो रहा था वो ट्रू और फॉल्स में दे रहा था फ स्टेटमेंट का यूज ही इसलिए करेंगे कि मैं अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकू आउटपुट दे सकूं कंडीशन लगाने के बाद तो इफ स्टेटमेंट का यही रोल है कि अगर कंडीशन मेरी ट्रू है तो मेरा आंसर मिलने वाला है अगर मेरी कंडीशन ट्रू नहीं है तो मुझे कोई भी आंसर नहीं मिलेगा तो ये आपका क्या था इफ स्टेटमेंट का एग्जाम्पल था ये आप जहां पे लगाएंगे जहां पर आपको लगता है कि कंडीशन ट्रू होने के बाद ही आंसर दिखना चाहिए तो आप इसको क्या करेंगे यूज करेंगे अब यहां पर लॉजिक क्या है कि आप चाहते हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स है जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूं इसको फिर से रन कर देता हूं यहां पे देखिए रन करने के बाद मैं यहां वैल्यू दे देता ट्वेंटी वन अब देखिए यहां पे कोई भी आंसर नहीं आया कोई भी आंसर क्यों नहीं आया क्योंकि ये कंडीशन तो क्या हो गई फॉल्स हो गई और फॉल्स होने के बाद ये दिखा नहीं होगा तो ये ध्यान रखिए कि इफ तभी देगा जब वो ट्रू होगा अब अगर फॉल्स है तभी आप चाहते हैं कि यहां पे ऑड नंबर आना चाहिए इवन नहीं होगा तो क्या होगा ऑड होगा तो हम यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है या तो इफ अगर ट्रू है तो इफ का आंसर आएगा अगर इफ ट्रू नहीं है तो आपके पास किसका आंसर आएगा एल्स का आंसर आएगा मतलब तो दोनों में से एक आंसर तो आपके पास आएगा ही आएगा एक बार मैं इसको क्या करता हूं आपको समझा देता हूं इफ एल्स फिर हम उसको भी क्या करेंगे प्रैक्टिकली समझेंगे देखिए यहां पर लिखा हुआ है इफ एल्स स्टेटमेंट को हम समझते देखिए इफ एल्स स्टेटमेंट में देखिए इफ तो रहेगा ही रहेगा ये ध्यान रखना इफ तो रहेगा ही रहेगा इफ का क्या होता है एल्स होता है तो यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई अगर कंडीशन आपकी क्या है ट्रू है ठीक है तो यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा आपके सामने इफ वाला अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो एल्स में जाएगा जो भी आपने एल्स में लिखा होगा वो आपके सामने क्या हो जाएगा डिस्प्ले हो जाएगा और एल्स के अंदर अभी आप कोई कंडीशन नहीं दे रहे हैं इफ के अंदर कंडीशन देते हैं एल्स क्या होता है अगर इफ नहीं चलता है तो एल्स आपके सामने क्या हो जाता है डिस्प्ले हो जाता है तो एक तरह से क्या हुआ अगर मैं इवन नहीं हूं तो ऑड हूं तो ऑड वाला लॉजिक कहां पे लगा देंगे हम एल्स के अंदर लगा देंगे देखिए यहाँ पे लगा हुआ भी है मैं आपको दिखा देता हूँ ये एक्साम्पल यही एक वेरबल टू टेन यहाँ पे इफ कंडीशन ली ए मॉडल एस टूल टू इक्वल टू जीरो अगर ये जीरो के बराबर है तो प्रिंट इवन नंबर अगर ये मान लो ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती तो डायरेक्ट ही प्रिंट आपको क्या दे देता ऑड नंबर प्रिंट करके दे देता यहां पे आपको एक आंसर मिलने ही वाला है ये क्लियर है कि अगर आप इफ एल्स यूज करेंगे तो एक आंसर आपको मिलेगा ही मिलेगा या तो इफ का मिलेगा इफ का कब मिलेगा जब कंडीशन ट्रू होगी नहीं तो आपको क्या मिलेगा एल्स का आंसर मिलेगा अगर कंडीशन इफ की क्या है ट्रू नहीं है तो वो एल्स पे जाके आपको प्रिंट करके क्या दे देगा जो भी आपने एल्स में लिखा है वो आपके सामने प्रिंट हो जाएगा तो यहां पे हम क्या करेंगे इसको प्रैक्टिकली करके समझेंगे जिससे चीजें आपके पास क्या हो जाएंगी क्लियर हो जाएंगी देखिए यहाँ पे मैं एक और फाइल बना देता हूँ पाइथन की सी वन डॉट पी वाई नाम की फाइल बना दी मैंने और इसके अंदर ये कोड मैंने क्या किया ले लिया क्योंकि इफ तो रहेगा ही रहेगा ये क्लियर है यहाँ पे आप इफ को रखोगे इफ के साथ में यहाँ पे आप क्या रखोगे एल्स को रखोगे एल्स, को रखोगे। एल्स कॉलन कॉलन लगाना भूलना नहीं है कॉलन से क्या होता है इफ स्टार्ट होता है और यहाँ पे जो भी आपको लिखना है लिख देंगे जैसे ए ऑड नंबर है अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि किस केस में एरर भी आ सकती है तो एरर को भी आपको समझना है कि इस केस में आपके पास एरर भी क्या हो सकती है आ सकती है और मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ रन करता हूँ एक बार देखिए राइट क्लिक करके मैं यहां से इसको क्या कर रहा हूँ रन कर रहा हूँ रन करने के बाद मान लो मैंने यहाँ पे ट्वेल्व लिखा तो ट्वेल्व लिखा तो ट्वेल्व क्या है ईवन नंबर आए ईवन नंबर क्यों आया क्योंकि ये कंडीशन आपकी ट्रू है और ये आपको ईवन नंबर मिल गया दोनों में से एक ही मिलेगा एट ए टाइम ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दोनों चीज आपको मिल जाए या तो इफ मिलेगा या एल्स मिलेगा अब मैं देखो यहाँ पे रन करता हूँ फिर से एक बार इसको यहाँ से रन uh, करने के बाद मैं कोई ऑड वैल्यू वैसे दे देता हूं जैसे ट्वेंटी दे दिया और देखिए यहां पे ट्वेंटी वन क्या है ऑड नंबर आया तो यहां पे क्लियर है कि अगर इफ ट्रू होगा तो ये आएगा अगर इफ ट्रू नहीं हुआ तो एल्स में जो भी आपने लिखा होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा तो ये चीज क्लियरली ध्यान रखिए कि इफ एल्स में आपके पास एक एक आउटपुट तो आएगा ही आएगा या तो आपका इफ कंडीशन वाला आएगा या कौन सा आएगा एल्स वाला पाठक का आएगा अब देखिए यहां पे एरर का केस क्या होगा मैं आपको क्लियर बताता हूं मान लो कि मैं यहाँ पे इसको यहां पे रख देता हूं जैसे ही आप यहां पे रखोगे ये एरर देना क्या कर देगा चालू कर देगा देखिए यहां पे एरर आ गई कि आप इंडेंटेट करो ब्लॉक को इफ को पता ही नहीं चल पा रहा मेरी बॉडी कौन सी है तब पता चलता है मेरी बॉडी कौन सी है जब आप उसको इंडेंटेशन कर देते हो इंडेंटेशन करने का मतलब एक टैप का स्पेस या एक स्पेस एक टैप का स्पेस जरूरी नहीं है आप एक स्पेस भी दे सकते हो अब मान लो कि मैंने इसके अंदर और कुछ प्रिंट कराया और यहां पर प्रिंट करा दिया प्रिंट मैंने कराया यहां पर जैसे वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूबेक इफ के अंदर ही करा रहा हूं अब मैं इसको यहां से रन करता हूं देखिए यहां भी एरर देगा वो ये कह रहा है कि आपका जो दोनों का लेवल है जैसे ये पहले आउटपुट का लेवल और ये दूसरे आउटपुट का लेवल ये दोनों का लेवल बराबर होना चाहिए अगर इफ के अंदर आप अगर चार स्टेटमेंट आप प्रिंट करा रहे हो चार बार प्रिंट का यूज कर रहे हो या कोई भी चीज आप कर रहे हो तो चारों के जो लेवल होंगे वो क्या होंगे बराबर या तो आप इसको इसके बराबर कर दो या दोनों को एक टाइप का स्पेस दे दो मतलब अगर आप स्पेस का लॉजिक रखते हैं तो दोनों में क्या करेंगे आप बराबर लॉजिक रखेंगे और मैं यहां से इसको क्या करता हूं रिफ्रेश करता हूं और रन करता हूँ देखिये रन करने के बाद मैं यहां पे इवन नंबर डालता हूं देखिए टेन इवन नंबर और यहां पे वेलकम टू डब्लू क्या हो गया प्रिंट हो गया आपके सामने तो मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूं यहां पे वाइट स्पेस का ध्यान रखना है क्योंकि इफ के इफको अपनी बॉडी का पता कैसे चलेगा जब आप उसके उसके बाद आप क्या दोगे स्पेस दोगे मतलब वाइट स्पेस नहीं दोगे तो इफको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी बॉडी कौन सी मतलब अंदर का आउटपुट क्या प्रिंट कराना है इफ uh, के अगर पास में रख देते हो तो वो क्या देगा? कर देगा एरर जनरेट कर देगा ऐसी एल्स में भी अगर करते हो तो यहां भी आपको वाइट स्पेस का क्या करना है ध्यान रखना है तो दोनों जगह वाइट स्पेस का ध्यान रखना है इफ एल्स क्या होता है ये अभी आपके सामने क्या हो गया होगा क्लियर हो गया होगा कि इफ अगर ट्रू है तो इफ वाला पार्ट नहीं तो आपके पास कौन सा पार्ट आएगा एल्स वाला पार्ट आएगा अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या एक बार देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका इफ एल इफ स्टेटमेंट देखिए ये कहां पे यूज होता है मैं आपको क्लियर कर देता हूं जब एक से ज्यादा आपके पास कंडीशन आ जाए एक से ज्यादा कंडीशन आने का मतलब है कि मान लो कि मैं किसी बंदे का रिजल्ट निकाल रहा हूं या किसी स्टूडेंट का रिजल्ट निकाल रहा हूं तो किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट निकाल रहे हो तो वहां पर क्या हो सकता है एक से ज्यादा लॉजिक हो सकता है स्टूडेंट फर्स्ट हो सकता है सेकंड हो सकता है थर्ड हो सकता है फेल हो सकता है अगर एक से ज्यादा आपको कंपैरिजन करने पड़ जाए तो आप इफ स्टेटमेंट का क्या करोगे करोगे यूज करोंगे। अगर केवल एक ही है 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 या या इवन ऑड तो आप इफ एल्स का यूज करोगे एक से ज्यादा आपके पास आ सकते हैं आउटपुट मतलब मेरे पास मैं देखिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाता हूँ पहले इसको देखिए इफ कंडीशन में यहाँ पे कंडीशन आई अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये नीचे की एक भी कंडीशन नहीं चलने वाली एक तरह से आप इसको ये समझेंगे कि ये इफ इफ है if में मैंने यहां पे कंडीशन दिया इफ पी आर ग्रेटर अगर ये ट्रू है तो यहां पे क्या होगा फर्स्ट डिवीजन बाकी के नीचे के एग्जीक्यूट नहीं होंगे नीचे के एग्जीक्यूट होने के लिए पहले इस कंडीशन को क्या होना पड़ेगा फॉल्स होना पड़ेगा अब देखिए ये कंडीशन अगर फॉल्स है तब ये इस सेकंड वाले पे जाएगा सेकंड वाले पे जाके क्या करेगा चेक करेगा कि पी आर ग्रेटर देन इक्वल टू फोर्टी एट तो ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये सेकंड डिवीजन आपको दे देगा फिर इन दोनों को चेक नहीं करेगा यहां पे अगर आप इफ एल इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो होता है क्या है वो वन बाई वन करके एक एक करके क्या जाता है जाता है अगर वो पहली कंडीशन में ट्रू हो जाता है तो नीचे के कोड एग्जीक्यूट नहीं होंगे अगर वो पहली कंडीशन ट्रू नहीं है तो दूसरे में जाएगा दूसरी अगर ट्रू नहीं है तो तीसरे में जाएगा और तीसरी नहीं ट्रू है तो वो लास्ट में जो एल्स होगा वो आपके सामने क्या हो जाने वाला है प्रिंट हो जाने वाला है तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं जैसे परसेंटेज के केस में कर सकते हैं जैसे एक से ज्यादा आपके पास लॉजिक होंगे तो आप इसको क्या सकते यूज़ कर सकते हैं यूज कर सकते हैं इसी लॉजिक में मैंने इसको इंप्लीमेंट किया जैसे आप समझ पाए कि ये यह पे क्या होगा यूज होगा अब देखिए यहां पे मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि अगर आप सोचते हैं कि ये केवल इफ एलिफ एल एलिफ एल स्टेटमेंट से ही होगा ऐसा नहीं है आप चार बार इफ लगा के भी इसको क्या सकते कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं मगर चार बार इफ लगाना और इफ एलिफ एल इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करना दोनों में डिफरेंस है देखो एक बार मैं क्लियर कर देता हूं अगर मैं यहां पे चार इफ लगाऊंगा तो चार इफ लगाने का मतलब क्या है चारों अलग अलग इफ है आ, आपकी कंडीशन चारों बार जाएगी चेक होने के लिए मतलब पहले इफ में भी चेक होगी दूसरे में भी होगी तीसरे में भी होगी और चौथे में भी होगी यह क्लियर है कि चारों जगह जाना है और लेके क्या आना है एक ही आउटपुट आना है अगर आप इफ एलिफ एलिफ, एलिफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं तो वो चारों क्या है एक के ऊपर एक डिपेंड है अगर पहला ट्रू हो गया तो नीचे के नहीं चलेंगे पहला ट्रू नहीं हुआ तो दूसरा चलेगा अगर दूसरा ट्रू हो गया तो बाकी के नीचे चलेंगे फिर दूसरा अगर ट्रू नहीं हुआ तो तीसरे पे जाना है अब फिर अगर तीसरा ट्रू नहीं हुआ तो लास्ट में एल्स पे आपके पास क्या हो जाएगा चला जाएगा तो यहाँ पे चार इफ का यूज करिए या इफ एल एल्स स्टेटमेंट का यूज करिए दोनों में बस एक ही डिफरेंस है कि यहां पे आपका क्या होगा फास्ट हो गया एग्जीक्यूशन और वहां पे क्या होगा स्लो होगा वहां पे स्लो क्यों होगा चारों जगह जाके एक ही चीज लेके आनी है और यहां पे क्या है कि आपको वन बाय वन करके जाना है अगर मेरे पहले पार्ट में ही ट्रू हो गया तो नीचे के पार्ट में आपको जाना नहीं है तो मैं इसको क्या करता हूँ प्रैक्टिकली आपको समझाता हूं जिससे और चीजें क्या हो जाएंगी क्लियर हो जाएंगे और इसको मैं प्रैक्टिकली करूंगा देखिए मैं एक और फाइल यहाँ से क्या करता हूँ क्रिएट कर देता हूँ सी टू डॉट टी वाई एक यूजर से इनपुट ले लेंगे मैं एक पी आर नाम का वेरिएबल ले, ले, ले लेता हूँ देखिए और यहाँ पे इनपुट ले, ले, ले लेता हूं और इसको इंट में कन्वर्ट कर देता हूं अब देखिए मैं पहले इफ कंडीशन लगाऊंगा फर्स्ट डिवीजन के लिए देखिए इफ तो रहेगा अगर आप इफ एलिफ एलिफ एल सी स्टेटमेंट यूज करेंगे तो इफ तो आपको रखना ही है इफ यहाँ पे ई आर अगर ग्रेटर ने जो इनपुट दिया अगर वो वैल्यू सिक्सटी से ऊपर है तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा फर्स्ट डिविजन फिर मैं यहाँ पे एलिफ लगाऊंगा एलिफ लगाने का मतलब अगर वो नहीं ट्रू है तो वो नीचे की साइड आएगा इस कंडीशन में और यहां पे चेक करेगा पी आर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू फोर्टी एट है तो यहां पे आप प्रिंट क्या कर दोगे सेकंड डिवीजन देखिए डिपेंड है अगर ये टू है तो ये इस पे ये जाएगा ही नहीं ये क्लियर ध्यान रखिएगा और यहां पे जो भी आप लिखेंगे वो आपके पास क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा फिर आप तीसरी कंडीशन लगाइए यहाँ पे एलिफ अगर देखिए तीन ही होता है यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट एल से लिख देता हूं यहाँ पे चार है देखिए फर्स्ट है सेकेंड है थर्ड है और फिर क्या है फेल है एलिफ पी आर अगर क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू थर्टी फाइव है तो मैं यहाँ पे प्रिंट क्या कर दूंगा थर्ड डिवीजन और लास्ट में मैं यहां पे एल्स रखूंगा एल्स इसलिए रखा कि अगर कोई भी नहीं है तो ये लास्ट वाला पार्ट क्या होगा चलेगा और जो आप इसके अंदर लिखेंगे वो क्या होगा आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा मतलब फेल अब देखिए इसमें लॉजिक क्या अगर आपने यहाँ पे वैल्यू दी 60 एक एग्जांपल समझा रहा हूं कि आपने यहां पे वैल्यू क्या दी 60। अगर आपने यहाँ पे सिक्सटी दी तो वो पहले इसको चेक करेगा अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपको फर्स्ट डिविजन दे देगा दे नीचे के तीनों को चेक नहीं करेगा अगर आपने वैल्यू दी मान लो फिफ्टी फाइव तो इस कंडीशन में वो फॉल्स हो जाएगा फिर इसको चेक करेगा और यहाँ पे ट्रू है तो इन दोनों को चेक नहीं करेगा अगर आपने वैल्यू दी मान लो थर्टी सिक्स तो ये दोनों चेक हुए ये दोनों फॉल्स है तो इसमें आके वो ट्रू हो गया तो ये आपके पास आ जाएगा फिर नीचे वाला नहीं आएगा अगर आपने वैल्यू थर्टी फाइव से कम दी तो ये तीनों ही कंडीशन क्या है फॉल्स है तो लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा एल्स आ जाएगा जो भी आपने एल्स में लिखा है वो आपके सामने क्या हो जाएगा डिस्प्ले हो जाएगा और देखिए मैं इसको यहां से क्या करता हूं रन करता हूं देखिए मैं यहां पे देता हूं आ, 58 तो 58 एट सेकेंड डिविजन क्यों आया क्योंकि देखिए इस कंडीशन में ट्रू नहीं है क्योंकि पी आर ग्रेटर टू सिक्स मतलब पी आर की वैल्यू सिक्स से ऊपर या सिक्सटी के बराबर कंडीशन uh, फॉल्स और यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है पी आर ग्रेटर टू फोर्टी एट ट से ऊपर है क्लियर है 48 से ऊपर 58. तो 58, अगर 48 से ऊपर है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा ऐसी में एक बार और रन करता हूं देखिए रन करने पे मैंने यहाँ पे लिखा जैसे वन फाइव पे लिख दिया तो यहाँ पे फेल क्यों आया क्योंकि इन तीनों में वो एक एक करके चेक करके गया और लास्ट में उसको क्या मिला फेल मिला अगर आप यहाँ पे फर्स्ट हो जाओगे जैसे मैं इसको रन करके यहाँ पे क्या करता हूँ सेवेंटी फाइव देता हूँ तो सेवेंटी फाइव देने का मतलब आप फर्स्ट डिविजन हो गए तो आप यहीं पे ट्रू हो गए हो बाकी के तीनों को आपको चेक नहीं करना तो ये आपका क्या है फर्स्ट डिवीजन का लॉजिक है तो यहां पे हमने देखा कि इफ एल्स स्टेटमेंट को कैसे यूज करेंगे देखिए इसका मैं एक और एग्जाम्पल बताऊंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में और यहां पर मैं क्या करूंगा आपको एक कैलकुलेटर बना के दिखाऊंगा जिसमें हम इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे और इफ स्टेटमेंट का भी यूज करेंगे और दोनों का डिफरेंस मैं वहां पे क्या करा दूंगा क्लियर करा दूंगा कि चार बार इफ लगाना और आप एक तरह से ये समझे चार बार इफ लगाना या इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट यूज करना तो दोनों में क्या डिफरेंस है बस अभी हमने क्या देखा अभी हमने देखा कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है कंडीशन लगाने के बाद आउटपुट कैसे डिस्प्ले होता है कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ स्टेटमेंट क्या होता है इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है थैंक यू सो मच